please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ा फैसला, 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर आपको देना होगा हिसाब। मोदी सरकार, मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सरकार 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी की छानबीन कर रही है। सरकार यह चेक कर रही है कि यह प्रॉपर्टी वैध पैसे या काले धन से खरीदी गई है। इसके अलावा सरकार 30 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी ओनर्स का टैक्स प्रोफाइल भी चेक कर रही है कि ओनर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है या नहीं। सरकार को शक है कि प्रॉपर्टी खरीदने में बड़े पैमाने पर काले धन का इस्तेमाल हुआ है और लोगों ने बेनामी प्रॉपर्टी भी खरीदी हुई है। 80 शहरों में बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम, जाने कहां और क्यों। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 80 शहरों में रिंग रोड और बाईपास बनाने की घोषणा मोदी सरकार द्वारा की गई है और इस प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से जहां शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रैवल टाइम कम होगा और जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़नी तय हैं। जेपी ग्रुप के घर खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर, जाने क्या। देश की एक चर्चित कंपनी जेपी ग्रुप यानी जयप्रकाश ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है, फिर भी रातों रात बढ़ी 1200 करोड़ की दौलत। जेपी ग्रुप के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट अटके हुए हैं और उन प्रोजेक्टों में हजारों लोगों के करोड़ों रुपए फंसे हुए हैं। सरकार खुद निवेशकों की मेहनत की कमाई बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसे में कुछ ही घंटों के भीतर इस कंपनी की वेल्थ में 1200 करोड़ रुपए का इजाफा होने की खबर आई है।